फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है और अब आईपीएल शुरू होने में काफी कम समय और काफी कम दिन बचे हैं। इसी वजह से लगातार सभी आईपीएल फैंस को आईपीएल शेड्यूल का इंतजार था और बीसीसीआई ने लगातार आईपीएल शेड्यूल में काफी अधिक डिले किया था, पर आज फाइनली बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल का नया शेड्यूल रिवील कर दिया गया है। दरअसल आज बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली नए शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी जा चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई ने आईपीएल के नए शेड्यूल को लेकर क्या अनाउंसमेंट करी है, किस तरीके से आईपीएल का नया शेड्यूल रहेगा और कितनी बजे हमें आईपीएल का नया शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बीसीसीआई ने आईपीएल का नया शेड्यूल तैयार किया है उस शेड्यूल में क्या क्या बदलाव हमें पुराने शेड्यूल से देखने को मिलेंगे, यानी कौन से बदलाव बीसीसीआई ने आईपीएल के नए शेड्यूल में किए हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आईपीएल या फिर सीपीएल की 100% एक्यूरेसी के साथ मैच प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए टेलीग्राम के ग्रुप द एके भाई को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि दोस्तों नीचे दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर जो नाम आ रहा है आप सीधे वो टेलीग्राम पर सर्च करिए और जो पहला ऑप्शन आता है आप उसको चूज करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन के नए शेड्यूल में बीसीसीआई ने तीन बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसीसीआई ने कौन से तीन बड़े बदलाव किए हैं, इसके बाद बात करेंगे कि बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल का फुल शेड्यूल कितनी बजे रिवील होगा, किस टाइमिंग पर हमें ऑफिशियली आईपीएल का नया शेड्यूल मिल जाएगा। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं आखिर बीसीसीआई ने नए शेड्यूल में आज कौन-कौन से बदलाव किए हैं। जो सबसे पहला बड़ा बदलाव किया है वो क्या है, फुल शेड्यूल को लेकर। दरअसल लगभग 4 से 5 दिन पहले अबू धाबी में काफी अधिक कोरोना के केसेस बढ़ गए थे, इसी वजह से बीसीसीआई को आईपीएल शेड्यूल रिवील करने में काफी अधिक समस्याएं हो रही थी और बीसीसीआई प्लानिंग में थी कि पहले 20 मैचेस का शेड्यूल लाया जाए, इसके बाद अगले 10-15 मैचेस का शेड्यूल लाया जाएगा। इसी तरीके से बीसीसीआई आईपीएल शेड्यूल लाने वाली थी, पर आज जो आईपीएल का शेड्यूल आएगा वो पूरी तरीके से फुल शेड्यूल आएगा, पूरे 60 मैचेस का शेड्यूल आएगा। तो ये ओवरऑल एक बड़ी खुशखबरी है, हमें कंप्लीटली पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरा बदलाव किया गया है वो किया गया आईपीएल के ओपनिंग मैच को लेकर और आईपीएल के पहले 7 मैचेस को लेकर। दरअसल पहले 19 सितंबर को शाम 7:30 बजे एमआई और सीएसके के बीच पहला आईपीएल मैच होने वाला था, पर अब ओपनिंग मैच पूरी तरीके से बदल चुका है। अब एमआई और सीएसके के बीच पहला मैच ना होकर एमआई और आरसीबी के बीच 19 सितंबर को आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही यहां पर बीसीसीआई ने यह भी बदलाव कर दिया है कि आईपीएल का जो पहला सप्ताह होगा उसमें सीएसके की टीम का एक भी आईपीएल मैच नहीं होगा। तो ओवरऑल यहां पर काफी बड़ा बदलाव बीसीसीआई ने आईपीएल शेड्यूल में किया है। इसके साथ ही जो तीसरा और आखिरी बड़ा बदलाव किया है वो किया है आईपीएल के मैचेस को लेकर। दरअसल अब यहां पर बीसीसीआई ने कंफर्मड कर दिया है कि आईपीएल के मैचेस कुल 3 स्टेडियम्स में होंगे, जहां पर अबू धाबी में 21 आईपीएल के मैचेस होंगे जबकि दुबई में भी 21 आईपीएल के मैचेस होंगे और शारजा में 15 आईपीएल के मैचेस होंगे। तो जहां पर अबू धाबी में कोरोना बढ़ने के बाद मैचेस कम होने वाले थे, पर अब स्थिति नॉर्मल होने के बाद सभी जगह बराबर मैचेस होंगे। तो ये तीन बदलावों के साथ आईपीएल का शेड्यूल आज रिवील किया जाएगा और करंटली ये तीन बदलाव हमारे सामने निकल कर आए हैं। अब बात करते हैं आखिर कितनी बजे आईपीएल का नया शेड्यूल बीसीसीआई रिवील करेगी, हमें ऑफिशियली कितनी बजे ये शेड्यूल मिल जाएगा। दरअसल अभी जो बीसीसीआई के सोर्सेस से रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग 2 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच हमें बीसीसीआई की तरफ से नया शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा, ऑफिशियली हमें मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बीसीसीआई ने आईपीएल शेड्यूल को लेकर प्लानिंग करी है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब दुबई में कौन सी टीम आईपीएल 2020 के सीजन की चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम आईपीएल जीतेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।